नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चौधरी बरदास पर। और आज हम सीखेंगे बहुत ही प्यारा सॉन्ग, बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आजकल ये रिमिक्स में काफ़ी हिट हो रहा है गाना, लेकिन मुझे जो पसंद है पर्सनली, वो जो ओरिजिनल सॉन्ग है मोहम्मद अजीज साहब द्वारा गाया हुआ, वो पसंद है। और वही सॉन्ग आज हम इस ट्यूटोरियल में बना रहे हैं, वही धुन, वही बोल और वही म्यूजिक पार्ट। तो मेरी कोशिश रहेगी कि बिल्कुल आसान तरीके से हम इस सॉन्ग को सीखें। बहुत प्यारा सॉन्ग है, आप भी अगर इसको प्ले करेंगे कीबोर्ड पर या हारमोनियम पर तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो आइए, अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो इस सॉन्ग को जरूर बजा पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी यही कोशिश है कि अच्छे अच्छे लेसन हम इस चैनल पर आपको देते रहें। स्केल की बात कर लेते हैं तो स्केल हमने रखा है पहला काला, सी शार्प माइनर कॉर्ड है। और पहले स्वर देख लेते हैं कौन कौन से इसमें यूज होंगे। तो इसमें सा रे कोमल गा मा पा और दोनों धा और दोनों नी का यूज होगा, ठीक है। और मध्यम भी दोनों यूज होंगे म्यूजिक पार्ट में, ठीक है। राग किरवाणी का बेस है, किरवाणी राग पर आधारित ये धुन, बहुत प्यारी कंपोजिंग है। तो आइएगा, अब देखिएगा पहले स्थाई सीखेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर इस सॉन्ग का आप लिखित नोटेशन चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके इस सॉन्ग का लिखित नोटेशन ले सकते हैं, ठीक है। आइएगा शुरू करते हैं। मंत्र सप्तक का भी मैं आपको बताता चलूं कि मंत्र सप्तक में आपके दोनों नी यूज होंगे और पा यूज होगा, ठीक है। अब देखिएगा पहली लाइन से, बेवफा तेरा मासूम चेहरा, बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। ये सही है। बेवफा तेरा मासूम चेहरा, आधा आधा करके समझ लेते हैं। बेवफा तेरा सा गा गा पा पा धा, बेवफा तेरा सा गा गा पा पा धा मासूम मासूम पमगासा मासूम चेहरा चेहरा सारे रेगा। अब रे के बाद जब हम गा यूज कर रहे हैं तो माँ का कर्ण लगा करके आ रहे हैं, ठीक है। बेवफा तेरा मासूम चेहरा, अब उसके बाद भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के नी परे रे, भूल जाने के नी परे रे, भूल जाने के काबिल नहीं है, काबिल नहीं है, रे गा गा मा गा रे सा सा काबिल नहीं है, रे गा गा मा गा रे सा सा रे गा गा मा गा रे सा सा भूल जाने के काबिल नहीं है। अब इसके बाद
ये ही लाइन सेम फिर ऊपर जाती है, बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। फिर ये लाइन है, अब स्लो में देखिएगा, बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। ये लाइन अभी गा से शुरू होगा, बेवफा तेरा गा पा धनी नी ने, बेवफा तेरा गा पा धनी नी ने, मासूम चेहरा मासूम मासूम चेहरा धनी पागा पदा धनी मासूम चेहरा धनी पागा पदा धनी, बेवफा तेरा मासूम चेहरा। ठीक है, उसके बाद भूल जाने के काबिल नहीं है। पहली बार में तो ये आया, दूसरी बार में बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। ये भूल जाने के काबिल नहीं है। अब ये भूल जाने के काबिल नहीं है। पहली बार में हम पा पर रुके हैं, उसके बाद सेकंड बार में हम नीचे आएंगे, तो जब हम नीचे आएंगे पातक वाली नोटेशन तो सेम रहेगी, उसके बाद मगारेसा ये और ऐड हो जाएगा, फिर हम नीचे आ जाएंगे। ठीक है, मगारेसा भूल जाने के काबिल नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन आती है, खूबसूरत बहुत है लेकिन, अब यहाँ पर एक हरकत लगाई गई है, खूबसूरत बहुत है लेकिन, ये खूबसूरत 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 सा गा गा पा धनी खूबसूरत बहुत है लेकिन बहुत है लेकिन, वो सब नोटेशन सेम है, केवल उसमें नी का एक्स्ट्रा यूज हुआ है। ठीक है, खूबसूरत बहुत है लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है। ये सब बाकी सेम रहेगा। अब इसके बाद आता है म्यूजिक पार्ट। अब जो म्यूजिक पार्ट है बैंजो से जो इसमें यूज हुआ है वो देखिए, मैं आपको बजा करके सुनाता हूँ। ये पार्ट है इतना। अब देखिएगा ये पा से शुरू हुआ है, अब यहां पर तीव्र मा का भी यूज हुआ है, पापा मा पापा गा सा पापा मा पापा गा सा, पहला पोर्शन पापा मा पापा गा सा, दूसरा पोर्शन निसा मा गा सा नी नी निसा मा गा सा नी नी, अब यहाँ पर दोनों नहीं एक साथ यूज हुए हैं, निसा मा गा सा नी नी निसा मा गा सा नी नी, ठीक है। अब इसके आगे का पोर्शन है सागा मा 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 गा सागा, दोनों मा एक साथ, फिर सागा मा 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 गा सागा मा 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 गा गा मा मा गा सा सा गा मा मा गा सा सा गा मा मा गा सा सा गा रे सा
ग म म ग स स ग रे स ये दोनों पोर्शन दो दो बार है। अब सुन लीजिए एक बार में पूरा पार्ट आपको बजा के सुनाता हूं। इसके बाद फिर आपका अंतरा शुरू होगा। अब जो अंतरा है, मैंने पूछा कि कल शब कहां थे, पहले शर्माए फिर हंस के बोले। अब ये जो धुन है ये आपने सेम स्थाई में यूज की है, बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। ये आपने जो बजाई थी स्थाई का सेकंड पोर्शन वही सेम अंतरा है आपका। मैंने पूछा कि कल शब कहां थे, पहले शर्माए फिर हंस के बोले। सेम ये था इस तरह से। उसके बाद फिर ये लाइन नीचे आ जाती है, मैंने पूछा कि कल शब कहां थे, पहले शर्माए फिर हंस के बोले। सेम सारा ये वही चल रहा है फिर। क्या अब वो बात क्यों पूछते हैं, अब वो बात क्यों पूछते हैं जो बताने के काबिल नहीं है, जो बताने के काबिल नहीं है। और इस तरह से आप इस पूरे गाने को अच्छे से प्ले कर सकते हैं। सारा स्थाई अंतरा सब सेम इस तरह से आप बजा सकते हैं अच्छे से। म्यूजिक पार्ट जो मैंने बताया उसको अच्छे से बजा सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर इसका लिखित नोटेशन चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके हमसे लिखित नोटेशन ले सकते हैं, अन्यथा इसके साथ प्रैक्टिस करें अच्छे से तो आप अच्छे से बजा पाएंगे। और हाँ, अगर हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर हमें जरूर फॉलो करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे दिया है, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो कीजिए आप इसकी प्रैक्टिस, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।